मैं गृहिणीची नॉर्थ इंडियन रेसिपी कॉन्टेस्ट 6 में भाग लीधेलो छे, जेमां मारी आजनी वांगी छे चणाना लोटनी ढोकळीनुं शाक। तो आशा राखुं छुं के तमने सौने गमशे। तो चालो आपणे आ वांगी बनावीए। आ वांगी बनाववा माटे 2 बटेटा, कसूरी मेथी, धाणा, मरचा पाउडर, पुदीना आदुनी चटणी, 1 वाटको तेल, 6 थी 7 समारेली डूंगळी, 1 बाउल चणानो लोट जोईशे अने हळदर तथा स्वाद मुजब मीठू जोईशे। आपणे चणानो लोट तथा आमांथी अर्धो भाग में आमां चटणी नाखी दीधेल छे, पुदीना आदुनी चटणी नाखी दीधेल छे तथा लाल मरचा पाउडर नाखेल छे तथा हळदर नाखेल छे अने हवे मीठू स्वाद मुजब नाखी रही छुं। हवे आमां अर्धो भाग आपणे डूंगळीनो नाखी दईशुं। ढोकळी बनाववा माटे अने अर्धो भाग डूंगळी आपणे राखवी पडशे, कारण के शाकनो वघार मारवा माटे पण आपणने डूंगळी जोईशे। 6 થી 7 डूंगळी समारी लेवानी रहेशे। आ शाक 6 થી 7 व्यक्ति खाई सके तेटलुं आरामथी बनी जशे। तेलमांथी 1 मोटो चमचो तेलनुं मोण नाखीशुं। मोण नाखवामां खूब ज ध्यान राखवुं जोईशे। जो मण वधारे पड़ी जशे तो ढोकळी तूटवा मळशे अने लोट बंधाशे नहीं। अने आ लोट बांधती वखते एक बात खास ध्यान में राखवी कि आमां पाणी बिलकुल एड करवानुं नथी। आमां डूंगळीनो पण रस होय छे, जेथी लोट व्यवस्थित सारी रीते बंधाई जशे अने आमां कसूरी मेथी पण थोड़ी नाखवी होय तो नाखी शकाय। हवे आपणे ढोकळीनो लोट बांधीए त्यां सुधी आपणे कुकर पर शाक चढ़ाववानुं पण चालू करी दईशुं। शाक बनाववा माटे आमां 1.5 चमचो तेल नाखीशुं। हवे तेमां आपणे बाकीनी अर्धी डूंगळी जे आपणे मूकी हती कचुंबर करेली ते पण नाखी दईशुं। आ शाक बिलकुल झटपट बनी जाय तेम छे। 15 मिनिटनी अंदर शाक रेडी थई जाय तेवुं छे अने नाना मोटा बधाने भावे तेवुं शाक छे। डूंगळीने बहू लाल करवानी नथी, डूंगळी थोडीक જ સાતળવાની છે। ત્યારબાદ તેમાં બધા મસાલા જે જરૂરી શાકમાં જોઈએ તે નાખી દઈશું। હળદર, લાલ મરચાંનો પાવડર, તમારે જે રીતે શાકભરમાં તીખું ખવાતું હોય તે રીતે નાખી શકાય। 1 મોટો ચમચો ધાણા પાવડર। બાકીનો મસાલો આ પુદીના, લીલા મરચાં અને આદુની બનાવેલી ચટણી છે, જે હાફ આપણે ઢોકળીમાં નાખી હતી અને હાફ હવે નાખવાની છે। હવે આ બટેટા, 2 મોટા બટેટા લીધેલા છે તેને ગોળ ચપટ કરીને નાખેલા છે। મીઠું તો તૈયાર છે આ ચણાના લોટ અને ડુંગળીની ઢોકળીનું બનાવેલું ચટાકેદાર શાક। આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ ભાવશે।